channel, our channel, Mission Well Lived. I'm Mala and I just want to welcome you again in this channel. So, कैसे हो आप सब and how's your preparation going on? So, I hope and I think आपने देखा होगा last video, first class का. So, this is our second class और इस class में बहुत excited चीज़ें करेंगे. So, don't worry, you are just be with me and I solve everything with the simplest method and interesting way, okay? So like in this video we are going to explore more artwork like जो first class में हमने किया था basic line practice था cutter से and basic patterns but इस class में हम थोड़ा deep में जाएंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें explore करेंगे नई सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारे cutwork भी सीखेंगे so I hope you are with me and अगर आपको video अच्छा लगे तो do like share subscribe yes ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं आप सब कर दोगे I know yeah without wasting time let's move on our video वेलकम टू द सेकेंड क्लास. सेकेंड क्लास में हम बेसिक्स नहीं करेंगे, बेसिक्स से थोड़ा सा अप जाएंगे और जो हमने इतनी सारी लाइनों की प्रैक्टिस किया था उन सब लाइनों को यूज़ करेंगे यहाँ पे. यस, इस लाइन को हम अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, पैटर्न्स बनाएंगे, उसके बाद उसको कटवर्क करेंगे. बट मेक श्योर आप बहुत सेफली काम करना क्योंकि हैंड कट हो जाता है बहुत आराम से. मैंने वीडियो फास्ट मोड में किया हुआ है सो आप भी मेरी तरह बहुत फास्ट फास्ट मत करना. एक्चुअल में मैं बहुत स्लो कर रही हूँ. ओके, सो आप भी बहुत स्लो करना ताकि हैंड कट ना हो. वैसे तो ये एक पैटर्न ही है अगर आप इसे देखो, बट मैंने सोचा कि इसको एक बुक मार्क भी बना देते हैं. आई मीन जब कट कर ही रहे हैं तो पीछे एक शीट लगा के बुक मार्क भी बन सकता है, तो हमने वो भी ट्राई किया है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है. सो गाइज अगर आप मेरे साथ करोगे तो डोंट फर्गेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम ताकि मैं भी देख सकूँ आपने क्या बनाया मेरे साथ. ओके, सो इसको आराम से कट करने के बाद हम बिल्कुल काम से इसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, कहीं से कट नहीं होता है तो वहाँ पे फिर से कट लगाना पड़ता है. बट सब कुछ करो बट सेफली. या ऊपर इतना ज़्यादा खाली स्पेस दिख रहा था तो मैंने वहाँ भी पैटर्न बना दिया. आई मीन मुझे छोड़ना ही नहीं है स्पेस, हर जगह कुछ ना कुछ. तो इसको हम कट करके निकाल लेंगे. जैसे मैंने आपको बोला था ये एक बुक मार्क बना रही हूँ मैं, तो या इसके पीछे हम शीट्स लगाएंगे. बट यहाँ पे भी मैं और कटवर्क लगा रही हूँ और डीप और डिटेलिंग के लिए आई थिंक. बट एक सच्ची बात बताऊँ, इसको करने में मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर रही थी. कट करने में एक्चुअल में मज़ा आ रहा था तो पूरा कट करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल लग रहा था आई थिंक, और डीप हो सकता था. बट कोई बात नहीं, फर्स्ट से तो बेटर है. लाइक फर्स्ट में हमने बहुत बेसिक चीज़ें बनाई थी तो उससे ठीक है. यहाँ पे मैं एक बेसिक सा ही लीफ बना रही हूँ बट क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने सोचा इसे ऐड करके दिखा देती हूँ आपको. इससे भी इवन बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो. मैंने तो जस्ट ऐसे एक्सप्लोर कर दिया, मन करा था एक लीफ कट करने का सो कर दिया. तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डिफरेंट तरीके से भी ट्राई कर सकते हो. बहुत सारे वे हैं एक्चुअल में लीफ को कट करने के, बट मुझे यही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है. आई डोंट नो, ये कट हो जाता है मुझसे इसलिए शायद. सो आप भी इस तरीके से लीफ को कट कर सकते हो. और अगर कहीं पे पेस्ट करना है इसे तो इसके सिल्वेट को निकाल लेंगे जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, और देन इसको पेस्ट कर देंगे जहाँ भी पेस्ट करना है आपको. ओके, एंड आप चाहो तो लेयरिंग मेथड भी कर सकते हो, जैसे कि इसके नीचे कोई पेपर लगाना या सेम पैटर्न को फिर से कट करके उसके ऊपर लगाना. बहुत सारे भी हो सकते हैं एक्चुअल में. सो यहाँ पे मैं एक और बर्ड बना रही हूँ. तो नॉर्मल सा ही बर्ड है बट इसमें कुछ टेक्सचर हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा कट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने छोटा बना दिया है एक्चुअल में थोड़ा सा, तो इतना ज़्यादा इस यहाँ पे कटिंग नहीं होगी. बट हाँ, मैं दिखाऊंगी आपको आप और किस तरीके से इसको और बेटर कर सकते हो. तो जितना डार्क मैंने पेंसिल यूज़ किया है ना, बिल्कुल मत करना, बहुत लाइट हैंड से ड्रॉ करना. एंड पहले कट करने से पहले रफ़ कर लेना, या उसके बाद रफ़ करने से ना कोई कोई से पार्ट कट हो सकते हैं, आई मीन वहाँ से हट सकते हैं. क्योंकि कट जब हम करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कहाँ से वो अटैच है कहाँ से नहीं है, छोटे छोटे पार्ट कभी कभी रिमूव हो सकते हैं इरेज़ करने से, तो इरेज़ पहले कर लेना. ओके, ये डीप कट वर्क है
देख सकते हो आप, बहुत ही फाइन कटवर्क करना पड़ता है अगर फेदर्स वगैरह बना रहे हो उसमें। तो फेदर के लिए जो मैंने ऊपर फेदर बनाया उसमें तो मैंने कोई कट ही नहीं किया, बस ट्रायंगल शेप में छोटे छोटे से कट किए एंड देन उसको ऊपर की तरफ कर दिया ताकि थोड़ा 3D लुक आए, है ना। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं चीज़ों को। अगर किसी चीज़ में आपको ऐड करना है तो इसकी सिल्वेट को निकाल लो, जस्ट लाइक आई एम डूइंग। तो आप सेम वे में बहुत सारे बर्ड्स की लेआउट या उनकी सिल्वेट को कट कर सकते हो और रख सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए या यू शुड ट्राई दिस, अच्छा लगेगा एंड आपको डिटेलिंग्स भी पता चलेगी। अगर कटवर्क करते हैं ना तो हम डिटेल्स को कट करते हैं तो डिटेलिंग भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे इजीली। ओके, सो इसको कट करके निकालने के बाद आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट कहीं कहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा लग रहा था उसके फेदर, तो मैंने वहाँ पे भी कट कर दिया फिर से। तो आई थिंक अब ये सही हो गया है कुछ कुछ जगह पे। सो या ये 3 कटवर्क हमने किए जो पेपर से था, अब हम करेंगे थोड़ा और कटवर्क। सो या बी विद मी। ये भी एक तरीके का आप देखोगे बुकमार्क ही है जो एक फ्लावर पैटर्न का है। तो बस आपको एक फ्लावर ड्रॉ करना है एंड जहाँ पे भी कटवर्क करना है वहाँ पे लाइन को डबल कर देना है, जस्ट लाइक आई एम डूइंग। उसके बाद इसको कट करके निकाल लेना है। देन क्योंकि हम ये बना रहे हैं एक बुकमार्क, तो एक बुकमार्क के शेप का निकालेंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कट करेंगे। बट ऐसा नहीं होता बुकमार्क ऐसा ही शेप का होता है, आप डिफरेंट भी कर सकते हो, है ना। तो आई थिंक गाइस ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे बन रहा है ना। तो आप चाहो तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे वीडियो भी शूट करती हूँ ना, सच्ची सच्ची बताती हूँ, जब शूट करती हूँ तो बहुत ही लंबा वीडियो होता है। ओके, बट क्योंकि स्टोरेज इतना नहीं होता हमारे फ़ोन में, या फिर या मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ और वहीं से एडिट करती हूँ सब कुछ, तो इतना स्टोरेज नहीं होने के कारण मैं एक प्रॉपर वीडियो होता है ना हर एक प्रोसीजर का मैं डाल नहीं पाती, यही रीज़न है। बट कोई बात नहीं, लाइव क्लास में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो क्वेश्चन भी पूछ पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम बता भी पाते हैं, है ना। तो आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड द फीस वेरी लेस। लाइक फीस लेना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है ना क्योंकि फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होता, बट यू कैन ज्वाइन विद अ लेस अमाउंट। सो जस्ट लेट मी नो इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, और आप अगर हमसे जुड़ के करना चाहते हो प्रिपरेशन। ओके, सो या इसको हम स्टिक करेंगे डबल साइडेड टेप से। डबल साइडेड टेप से क्यों, ताकि ये थोड़ा 3D लगे, हाँ बस और कोई रीज़न नहीं। आप चाहो तो ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो, बट क्योंकि थोड़ा 3D मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डबल साइडेड टेप ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो हम इससे नॉट बनाएंगे और अपने बुकमार्क में टक करेंगे। उसके बाद इजीली आप फाइंड कर सकते हो आप कहाँ पे रीड कर रहे थे, वहाँ पे रख सकते हो। आई रियली नीड दैट, मुझे इसकी ज़रूरत था सच्ची में, तो मैंने सोचा चलो बताना तो है और काम भी आ जाएगा तो आप बना के रख सकते हो। बहुत प्रिसाइज वर्क भी कर सकते हो गाइस, दिस इज़ अ बेसिक, अगेन ये बेसिक ही है अभी तक, बट कोई बात नहीं, हम और डीप में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ना, वही सही होता है। डायरेक्ट मैं आपको मॉडल्स बनाना सिखाने लग जाऊँ ना तो आपको बेसिक्स नहीं समझ में आएगा कि कैसे कट किया, कैसे क्या हो गया। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखो, बट या सीखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो उसको नहीं छोड़ना जीवन में कभी भी। और अभी से सिचुएशन टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ये सब तो आप कर सकते हो ना, खाली टाइम में बैठने से अच्छा है ये सब करो, ये सब के लिए किसने रोका थोड़ी ना आपको। आई थिंक मैंने बुकमार्क बहुत ज़्यादा ही बना लिया, आई डोंट नो व्हाई। मुझे ना एक्चुअल में कट करने में मज़ा आ रहा था सच्ची में, इसलिए ये सारे पैटर्न कट, ये है ना बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना तो इजीली कट हो जाते हैं, शायद इसलिए मज़ा आ रहा था। बट जब हम कर्वी कट करते हैं ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट उसे भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़े से कर्वी शेप्स। एंड या इसको आप, मैंने फिर से एक बुकमार्क बनाया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो आप इससे। तो यहाँ पे हम फिर से होल करेंगे पंचिंग मशीन से। मैंने बहुत ज़्यादा होल कर दिया एक पैटर्न बनाने के चक्कर में, बट ये कोई पैटर्न जैसा बना नहीं, बट कोई बात नहीं।
ट्राई करने से सब होता है और हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें ना एक्सप्लोर नहीं करते चीज़ों को, है ना, हमें ना बहुत डर जाते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने से। तो डरो मत, एक्सप्लोर करना चाहिए, कोई बात नहीं, चीज़ें ख़राब होगी या फिर अच्छी बनेगी, बट एक चीज़ तो फाइनल है कि आप सीखोगे ज़रूर कुछ ना कुछ, तो इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए चीज़ें। ओके, सो इस तरीके से भी नोट बना सकते हो आप किसी भी चीज़ में रैप करके। तो मैंने बना लिया यहाँ पे फटाफट, और इसको हम फिर से नोट कर देंगे, उसमें अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और फिर बंद करेंगे। और यहाँ पे मैंने ट्राई किया, क्या ये, मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ चीज़ें, तो मैं कट कर रही थी इससे, कटर से, क्या कटर से कट हो सकता है, और सच में हो गया अच्छे से इवन। तो आप कटर से भी कट कर सकते हो, अगर आप सीज़र वगैरह लेना भूल जाते हो एग्ज़ाम में तो घबराओ मत, आप कुछ भी कर सकते हो, बस यकीन रखो खुद पे। आपको पता है ये कटिंग, पेस्टिंग, क्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बचपन से, इवन ड्राइंग से भी ज़्यादा। इसलिए जो काम पसंद हो ना वो करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही करो, कभी कभार कर लो, बट उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए कि आप बिल्कुल भूल जा रहे हो कि आप कभी ये भी करते थे, तो वो अच्छा नहीं होता और वो अच्छा होना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि जिस चीज़ से खुशी मिलती है अगर वही छूट जाए जीवन में तो क्या ही फ़ायदा जीवन का। तो या ये क्रिएटिविटी इज जस्ट अ मैजिक फॉर मी, व्हाट अबाउट यू, जस्ट लेट मी नो आपको कैसा लगता है ये सब करके, बट फॉर मी दिस इज़ अ हीलिंग, लाइक मैं खुद को शांति देने के लिए ये सब काम करती हूँ। सो हेयर द असाइनमेंट गाइस, assignment again, I hope you do and tag us. So guys, that's it for this video. Thank you so much for watching this video. I hope this will help you in your situation test preparation. If you find helpful this video, then just let me know so that I'll be happy. All the best and have a happy preparation. Tada. Oh, baby, you give me ice and fire. You're